कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह पंजाब के सीएम नहीं बनाए जाने से नाराज नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना रंग ढंग एक बार फिर से दिखाना शुरू कर दिया है और इस बात के संकेत दे दिए हैं कि पार्टी के साथ उनका समझौता सिर्फ और सिर्फ उनकी शर्तों पर ही होगा, नहीं तो वे अध्यक्ष पद से दिया गया अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल से मिलने दिल्ली रवाना होने से पहले सिद्धू ने कहा कि वह उन्हें दिए गए सम्मान के लिए हमेशा कांग्रेस आला कमान के आभारी रहेंगे। साथ ही उन्होंने जोर दिया और कहा कि वह कभी भी समझौता नहीं कर सकते। सिद्धू ने कहा कि जो लोग पंजाब के लिए उनके प्यार को समझते हैं वे कभी उन पर कोई आरोप नहीं लगाएंगे। सिद्धू ने ट्विटर पर अपना वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने पंजाब से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। सिद्धू ने कहा कि मुझे पंजाब से इश्क है और जो इसे समझते हैं वो कभी मुझ पर कोई आरोप नहीं लगाएंगे। हर जगह मेरी प्रतिभा को नजरअंदाज किया गया। राजनीति में 5 को 50 बनाया जा सकता है और 50 को 0 में बदला जा सकता है। सिद्धू का इशारा साफ है कि कांग्रेस ने भी उनकी प्रतिभा को सही तरीके से सम्मान नहीं दिया। सिद्धू के कहने का ये भी मतलब साफ है कि प्रदेश अध्यक्ष पद उनके लिए तुच्छ है और वे सीएम से कम मटेरियल नहीं है। 14 अक्टूबर को पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात करने के ठीक पहले सिद्धू ने अपनी बातें सामने रख दी। अब फैसला पार्टी को करना है कि वे आगे क्या कदम उठाएगी। वैसे भी सिद्धू को दिल्ली में बातचीत के लिए ही बुलाया है जिसकी जानकारी हरीश रावत ने ये कहते हुए दी थी कि सिद्धू के सांगठनिक मामलों में मिलकर चर्चा करेंगे। अब इस चर्चा के जो भी नतीजे निकले नजर इस बात पर रहेगी कि कांग्रेस आलाकमान और सिद्धू के बीच जारी सौदेबाजी में आखिर जीत किसकी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।